और जो इंसान ने किया है यार, आपके बारे में इतनी बातें तो कर ली, आपको तो पता ही चल गया होगा हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको जिस चीज़ों की उम्मीद थी कि हम बेचारे सर पकड़ के बैठे होंगे कि इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है सवाल मेरा, सवाल ही नहीं उठता। फाड़ दूंगी। लास्ट वीडियो मैंने शूट करा था, वो टाइम में मेरे 5,000 सब्सक्राइबर्स थे। इस वक्त है 6,500 के करीब कुछ। तो 1,500 सब्सक्राइबर्स जो नए आए उनको हेलो हाय नमस्ते। मैं हूँ क्षितिज मिश्रा, मैं चंद्रपुर में रहता हूँ इस वक्त, बॉम्बे में। और आज मैं आपको कोई बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए या फिर लाइक्स के लिए या फेमस होने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो अवेयरनेस के लिए। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बस आखिरी में एक प्लॉट ट्विस्ट है, पहले अमेजिंग जगह देख लो, बाद में प्लॉट ट्विस्ट। जो नए नए चैनल पे आए हैं अभी काफ़ी सारे लोग, उनके लिए ये मेरे बुआ है, ये दुबई में रहते हैं, वैसे अभी बॉम्बे में भी रहते हैं। और आप अगर जानते नहीं हो मेरे को तो मेरे दुबई वाले वीडियोस जाके देख लो, आप इनको भी जान जाओगे, मेरे को भी जान जाओगे, ये भी जान जाओगे कि जब हम लोग साथ में रहते हैं शाम को 5 बजे के बाद बाहर निकलते हैं, दिन शाम को शुरू होता है। तो हाँ जी, आज भी 5:30 बज रहे हैं अभी, और अभी निकले हम, होपफुली अंधेरा होने के पहले पहुँच जाए और चीज़ें कर ले आज की जो करनी है वो। हे, राइट नाउ आई एम एट रुनवाल एरिया विच इज़ इन लोखंडवाला अंधेरी, और यहाँ पे बुआ का अपार्टमेंट है। और ये पता नहीं बहुत ज़्यादा ही हाई क्लास किस्म की बिल्डिंग है, और काफ़ी शशके वाले लोग रहते हैं इधर पे। तो बुआ रहती नहीं है, बुआ ने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदा था। अपन लोग तो वाशी वाले हैं भाई, वाशी में रहते हैं अपन। ये टेरेस है, आई एम एट द टेरेस ऑफ दिस बिल्डिंग। और ये 3 बिल्डिंग्स हैं अलग अलग, जिसको एक स्काई वॉक से जोड़ा गया। दूर से आपको दिखाऊंगा अगर मेरे मैं दिखा पाया वो शॉट। 2 अलग अलग बिल्डिंग्स, 3 अलग अलग बिल्डिंग्स के बीच में से कनेक्टेड पुलिया जैसी बनी है टेरेस में। तो ये पूरा स्काई वॉक है। उनके पास में क्रिकेट पिच भी है, ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे, ये फिलहाल खाली है कोविड की वजह से। दैट द स्काई वॉक, इफ़ यू कैन सी, 2 बिल्डिंग्स के बीच में एक जगह है ब्रिज जैसा, एंड वो स्काई वॉक है, इसके बारे में बात कर रहा था मैं। दिस वन इज़ द थिएटर, यहाँ पे से हाय हाय, तो यहाँ पिक्चर चलती है। नो वी आर जस्ट प्लेइंग, डोंट टेल द वॉचमैन। ओके कूल, वी आर जस्ट प्लेइंग, डोंट टेल द वॉचमैन। एंड दिस इज़ द जिम, यहाँ पे अंदर क्लासेस चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं जूते भी नहीं अच्छे वाले मेरे, मतलब ये जूते रेगुलर यूज़ वाले जिम में पहन गया था। हम मारते भाई जिम, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है वो चीज़ की, नहीं जाना बाहर के जूते पहन के। तो ये तीनों को निकाल दिए अभी बाहर, आगे सिक्योरिटी वाले। दीज गर्ल्स आर गोइंग टू सब्सक्राइब माई चैनल सून। आई डिड डाउन ऑन योर पाम, डू यू हैव अ पेन और समथिंग? तैयार हो जाए, मतलब दिल की धड़कनें थाम ले, हम आपको अपार्टमेंट दिखाने लो। वैसे अपार्टमेंट बुआ कौन से साल में लिए थे आपने? 2012 में से चालू था ये सब, बट ये रेडी कब हुआ? 2018 में बन के रेडी हुआ। अपार्टमेंट का दरवाज़ा है, और ये भी सब यहाँ पे भी ये और करंटली ये सिचुएशन है अपार्टमेंट की। ये मेरा फ्लैट है, ये मेरे टेनेंट ने इसका डोर चेंज कर दिया है। इस पर उसने पहले से उसका इंटेंशन था कि कुछ करना है, इसलिए उसने इस पर हैंडल नहीं लगाया। ये डोर सिर्फ चाबी से खुलेगा उसकी, ये बाहर पुल नहीं होता। पूरा डोर देखें,
ये देख के लगता है कि ये किसी क्रिमिनल इंटेंशन से ही बना हुआ है। तो इसकी चाबी भी नहीं है ना आपके पास? इसकी चाबी नहीं है, उसने डोर बदल दिया, ओरिजिनल डोर नहीं है ये। ओके। और ओरिजिनल कोई भी दरवाजा लगाता है तो हैंडल तो लगाता है, उसने हैंडल नहीं लगाया, इसका मतलब उसका इंटेंशन नहीं गलत था। 4 करोड़ रुपए खर्च करके फ्लैट खरीदने के बाद भी हम उसमें घुस नहीं सकते, और क्योंकि डोर ही बदल दिया जिसको किराए पे दिए थे उसके, और ये सारे नोटिसेस जो पूरे चिपकाए हुए हैं ना वहाँ पे, पूरे नोटिस चिपके हुए हैं दीवार पे, बुआ ने परसों के दिन आके चिपकाया है, क्योंकि वैसे सोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या आया था, बुआ खबर क्या आई थी, हैवी डिपॉजिट पे देने की कोशिश कर रहा है, और या तो 1 CR पे उसने कहा है कि उसको हैवी डिपॉजिट पे चढ़ाना है, चढ़ गया एक बार फ्लैट तो हम उसके पीछे दौड़ते रह जाएंगे और पकड़ में तो आने वाला नहीं, पता नहीं। इट मींस हैवी डिपॉजिट, हैवी डिपॉजिट मतलब 1 CR वो पार्टी से लेगा और कोई रेंट नहीं होगा, पगड़ी सिस्टम, पुराने जमाने में पगड़ी सिस्टम होता था वो है। और आप इमेजिन करो जो इंसान अपना काम दुबई में कर रहा है और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है और पूरा बिजनेस बुआ के लिए हैंडल करते हैं, और ये सब फालतू की वजह से बार बार आना जाना पड़ता है, तो चलो ठीक है उसने केस कर दिया, तो हमको हर 2-3 महीने में देवी के दर्शन होते रहते हैं अभी, वरना 10-10 साल तक के देखा नहीं हूँ मैंने बुआ ने, एक टाइम है 10 साल तक के दिखे नहीं है मेरे को। 4 करोड़ का तो आपने खरीदे थे, अभी क्या रेट होगा ये प्रॉपर्टी? लास्ट टाइम आपको 7.5 करोड़ का ऑफर, कोरोना के पहले इसकी वैल्यू 7.5 करोड़ का ऑफर आगे गया है, तो ये लिटरली 7.5 करोड़ का अपार्टमेंट हड़पने की कोशिश की जा रही है, जिसके अगेंस्ट भी फाइट कर रहे हैं और पॉसिबली जीत भी जाएंगे, मतलब इट्स लाइक आपको बताते हैं केस क्या है बेसिकली, क्या उसने एलिगेशन लगाए हैं आगे। अभी निकल रहे हैं यहाँ से, मेरे को वॉशरूम जाना है, और किस्मत देखो भाई अपार्टमेंट होते हुए क्लब हाउस में वॉशरूम यूज़ करना पड़ रहा है, खैर क्या करें, एक एक के दिन होते हैं, अपना भी आएंगे। सो यस, द स्टोरी बिहाइंड ये सारी चीज़ जो अभी तक बताया मैंने, कैसे वो घर के ऊपर सीन चल रहे हैं, सारे केस हुई भी है, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बुआ करेंगे, तो बुआ शुरू हो जाओ। हाँ, घर मैंने 2012 में बुक किया था, और ये बंदे ने, किसी बंदे ने मेरा घर रेंट पर लिया, जिसने मुझे विदाउट एजेंट के अप्रोच किया था, डायरेक्ट अप्रोच किया था 2018 में। ओके। और ये मुझे रेंट रेगुलर नहीं देता था, सिस्टर कह के आज नहीं कल नहीं, दो तीन महीने पे देता था, लेकिन मैंने अवॉइड किया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में इसने मुझे 2019 के नवंबर से रेंट देना बंद कर दिया। ओके। रेंट देना बंद कर दिया, उसके बाद इसने, मैंने 2020 के फरवरी में इसको कहा भैया बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे या तो रेंट दो या तो घर खाली करो। ओके, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। हाँ, तो मैंने फोन पे जब कहा तो इसने बोला कि भाई मेरे को 15 लाख दो घर खाली करने के। अच्छा हो। हाँ, बोला घर खाली करने के मुझे 15 लाख दो, मैंने उसमें डेकोरेशन किया, मैंने डेकोरेशन किया है तो ठीक है, पहले रेंट तो क्लियर करो। और रेंट कितना था वो टाइम तक के? 80 कुछ चल रहा था ना आपका पर महीने का? रेंट मेरा था 90,000, जो कि वो उसमें से TDS काट के मुझे 81,000 दे रहा था। 81 तो 80 पकड़ो। मैंने जब उसको एक नॉर्मल सा नोटिस भेजा विदाउट लॉयर के, और उसके बाद मैं दुबई चली गई, मैं NRI हूँ तो मेरा बिजनेस वहां पर है, तो दुबई चली गई। टाइम से मैं उसको फोन कर रही थी, ये कोई जवाब नहीं दे रहा था, फोन उठा नहीं रहा था, दूसरे नंबरों से फोन कर रही थी तो भी नहीं उठा रहा था, कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि लॉकडाउन था, मैं नहीं आ पाई। शादी की वजह से मैं सितंबर में जो आई, कितने तारीख को, समथिंग 2-3 तारीख को, और मुझे 7 तारीख को हाथ में नोटिस आती है घर पे कि मुझ पे केस किया गया है, कुछ 90 लाख रुपया मैंने किसी से, मेरे टेनेंट से लिया है। मतलब बेसिकली वो बोल रहा था कि आपने 90 लाख रुपया उससे लिए है। हाँ। और इसलिए मैं आपके प्रॉपर्टी में रह सकता हूँ जितने दिन आपने उसको लाओगे। कोर्ट से स्टे ऑर्डर मांगा, लेकिन इंडिया की कोर्ट इतनी बेवकूफ नहीं है। हाँ। कि भाई किसी को भी स्टे ऑर्डर दे, और इसने प्रूफ के नाम पे जो मुझे रेंट दिया था उसी के पेपर इसने रिपीट करके बैंक के स्टेटमेंट लगा के दिए, वो क्लेम कोर्ट ने उसका डिसमिस किया, तो फिर उसने नया क्लेम लगाया कि उसने मेरे हस्बैंड को 30 लाख रुपए दिए, और उसके प्रूफ में उसने कोई ऐसा किसी को पेपर पैसे ट्रांसफर किए थे वो दिखा दिया, मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को एक्सपायर हुए, काफी टाइम हो चुका, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी उसको, ना नाम डिस्क्लोज करूंगी क्योंकि शायद उसको फायदा हो जाएगा। एक्चुअली उसकी आदत है, मैंने बाद में उसका नेट पर देखा, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे मैं केस जीतती हूँ मैं जरूर बताऊंगी। वेल नोन पर्सनालिटी, मतलब ऐसा भी नहीं कि अगर बताएंगे तो आप लोग को नहीं पता चलेगा, उसको गूगल पे सर्च करोगे ना आप तो ही इज इन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और आपको गूगल पे ही पता चल जाएगा उसके बारे में, वो ऐसा इंसान है। अगर हम NRI है, बाहर काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो कोई तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब मैंने 28 इयर्स दुबई में काम करके
पूरा इन्वेस्टमेंट मैंने उठा के इंडिया में अपनी कंट्री में किया कि भाई मैं यहाँ क्यों, तो यहाँ तो मेरी सिक्योरिटी कहाँ है। मतलब NRIs के साथ, बहुत सारे NRIs के साथ होता है, मैं चाहूँगी कि ये वीडियो देखने के बाद लोग जुड़ें। मैं, मुझे लास्ट पर्सन बनना है जिसको उसने चीट किया। इसके बाद वो बंदा किसी अकेली लेडीज़ को ये सोच के तो चीट नहीं करेगा कि यार लेडीज़ अकेली है क्या कर लेगी, उसको नहीं मालूम है कि मैं क्या करूँगी। मैं, उसको लग रहा है कि कानून मजाक है, लेकिन कानून जब उसको सही बंदा सिखाएगा तो उसको पता चलेगा कि कानून क्या है। और क्रिमिनल केस उस पर फाइल किया हुआ है, आज नहीं कल वो पकड़ा भी जाएगा। लेकिन जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ उस वजह से मैं लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि भाई अवेयर रहो, अपने टेनेंट से टाइम टू टाइम जाके मिलो, उन पे भरोसा, बहन, सिस्टर, ब्रदर, अमका, ढमका, अंकल, आंटी, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता भाई। कम टू द पॉइंट, पेपर पे लिखा है यही करो। और जिस जिस NRI के साथ ये हुआ है प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो, हम लोग सब एक होके कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे पता नहीं, कोई मेरे पास फार्मूला नहीं है, लेकिन एक होके सब, जब 100 दिमाग जमा होंगे तो शायद कुछ ना कुछ एक चीज़ निकलेगी कि हमारे साथ क्या। बहुत सारे NRI का मामला भरा पड़ा है। और जो इंसान ने किया है, यार आपके बारे में इतनी बातें तो कर ली, आपको तो पता ही चल गया होगा हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको जिस चीज़ों की उम्मीद थी कि हम बेचारे सर पकड़ के बैठे होंगे कि इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा, सवाल ही नहीं उठता। फाड़ दूंगी, कसम से फाड़ दूंगी।